अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लक्की में जिंगजोंग को वो बूढ़ा आदमी अननोन आइलैंड में बुलाता है। फिर हमें अननोन आइलैंड दिखाया जाता है। उस आइलैंड में शैडो स्क्वाड होते हैं और वो धीरे धीरे मारे जाते हैं। एक आदमी बोलता है हॉक वन हॉक टू रिपोर्ट करो। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरे की वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर उसी समय पीछे से एक निंजा आकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ लिन आराम से बुक पढ़ रहा होता है। उसी समय उसका फोन आता है। फिर वो रिसीव करके बोलता है कौन है। वहाँ से बोलता है ये मैं हूँ टोंग। लिन बोलता है जनरल टोंग क्या बात हो गया। टोंग बोलता है ये बहुत ही सीरियस है मैं आशा करता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे। लिन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा लीडर तो मुझसे नफरत करता है और मुझे मारना भी चाहता है। वो क्या चाहता है जब उसको मेरी मदद की जरूरत पड़े और मैं उसकी मदद कर दूंगा। टोंग बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी। फिर वो गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें कोई परवाह नहीं शैडो स्क्वाड अचानक से गायब हो जा रहा है। लिन बोलता है क्या चल रहा है वहाँ पर क्या तुम शैडो स्क्वाड को निकाल रहे हो। टोंग बोलता है मुझे भी यही लग रहा था लेकिन वो लोग मारे जा रहे हैं। लिन बोलता है मारे जा रहे हैं ये सब कौन कर रहा है। टोंग बोलता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ हमने ब्लैक शर्ट और शैडो स्क्वाड को भेजे थे अननोन आइलैंड में ड्रिल करने के लिए हमारे लोग अचानक से वहाँ पर मारे जा रहे हैं। ब्लैक शर्ट को जंगल में उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो लोग लगभग ही मारे गए हैं वहाँ पर। शैडो स्क्वाड को जंगल में बहुत ही एक्सपीरियंस है लेकिन उनमें से 20 लोग पहले ही मारे गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा शैडो स्क्वाड का पूरा मेंबर ही मारा जाएगा। हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। शैडो स्क्वाड आपसे ही ट्रेनिंग लिया हुआ है क्या आप उन लोगों को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दोगे। यनली ली जियांग जुआंग यान लिन बोलते हैं नाम लेना बंद करो और जल्दी से हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजो। फिर कुछ देर में वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है मेजर जनरल हम लोग यहाँ पर आपको लेने के लिए आए हैं प्लीज जल्दी से अंदर आ जाइए। और वो लिन के इधर सीढ़ी फेंक देता है। लिन उस पर चढ़कर सी को बोलता है मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं आऊँगा वो खरीदने वाला प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं है तुम अपने से ही खरीद लो सब मैं आकर सारे रिजल्ट देख लूंगा। सी बोलता है समझ गया। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग अननोन आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जितने भी बचे हुए शैडो स्क्वाड थे उन सभी को बोला जाता है शैडो स्क्वाड के सारी यूनिट जल्दी से हेलीकॉप्टर के नीचे आओ। शैडो स्क्वाड हेलीकॉप्टर देखकर बोलता है ड्रिल मास्टर लिन यहाँ पर आ चुके हैं। निंजा बोलता है आखिरकार उन लोगों का ड्रिल मास्टर यहाँ पर आ ही गया है। शैडो स्क्वाड में एक आदमी बोलता है लियू चियांग ड्रिल मास्टर यहाँ पर आ गया। लियू बोलता है हम लोग का ड्रिल मास्टर यहाँ पर आ गया है अब हम लोग को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ सारे निंजा लिन की ओर जाते हुए एक आदमी बोलता है फिलियस ड्रिल मास्टर को जिंदा पकड़ना है। फिर वहाँ पर जिंगजोंग आ जाती है। ये देखकर निंजा बोलता है क्या तुम वही बैकअप हो ना जो अंडेड इंसेक्ट के राजा ने भेजा है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है तुमने तो अभी तक एक इंसान को भी नहीं मारा है। जिंगजोंग ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो अपना तलवार निकालकर उस आदमी पर हमला कर देती है। वो आदमी बोलता है तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ लिन वहाँ से सुपर हीरो जैसा लैंडिंग करता है। लिन के पास सारे शैडो स्क्वाड आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ड्रिल मास्टर मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था। लिन बोलता है सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं ना। शैडो स्क्वाड बोलता है 68 आदमी बचे हुए हैं और सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लिन बोलता है ठीक है सभी लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ और यहाँ से निकलो मैं तुम लोगों को कवर करता हूँ जल्दी करो। फिर वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। उसी समय एक निंजा उस पर हमला करता है लेकिन लिन उसे मार डालता वहीं पर। शैडो स्क्वाड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या यहाँ पर एक दुश्मन था। दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं पता मुझे तो पता ही नहीं चला यहाँ पर एक है। लिन बोलता है जल्दी जाओ यहाँ से सभी लोग। फिर कुछ ही देर में सारे शैडो स्क्वाड हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिंगजोंग धीरे धीरे सारे निंजा को मार रही होती है। उसमें से एक निंजा घबराते हुए जिंगजोंग को बोलता है क्यों ऐसा मत करो रुक जाओ। तब तक जिंगजोंग उसका गला काट देती है। फिर कुछ देर के बाद सारे शैडो स्क्वाड के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। लिन बोलता है इस आइलैंड में सारे किलर को मरना होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है यहाँ पर कोई है और वहाँ पर जिंगजोंग होती है। जिंगजोंग लिन एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलता है जिंगजोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगजोंग शॉक्ड होकर बोलती है लिन बोलता है क्या तुम्हें भेजा गया है शैडो स्क्वाड को मारने के लिए। जिंगजोंग बोलती है शैडो स्क्वाड को मारने के लिए अपने आसपास देखो। लिन अपने आसपास देखकर बोलता है क्या तुमने इन्हें मारा ये लोग कौन है। जिंगजोंग बोलती है ये लोग सनसेट हैं और ये लोग को आर कंट्री ने भेजा था यहाँ पर। इन लोगों को यहाँ पर शैडो स्क्वाड को मारने के लिए भेजा गया है इससे उन लोगों का ड्रिल मास्टर यहाँ पर आ जाएगा। लिन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है वो लोग ड्रिल मास्टर को चाहते थे। लिन बोलता है वो उन लोगों का टारगेट मैं था। जिंगजोंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम शैडो स्क्वाड के ड्रिल मास्टर हो। लिन बोलता है तब तुम्हारा क्या क्या तुम सनसेट से नहीं हो ना तो तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिंगजोंग बोलती है वो अंडेड इंसेक्ट का राजा हायर किया था वो सनसेट को वो मेरे शरीर के अंदर उस अंडेड इंसेक्ट को डाला था फिर वो मुझे कंट्रोल करना चाहता था
वो शायद यही आइलैंड में होगा, मैं उसे मार डालूंगी। लिन बोलता है, वो मैं समझ गया, इसलिए तुम उस लिंकर को अपने साथ रखी हो। जिंगजोंग बोलती है, तो तुम मेरे साथ हो ना। लिन शॉक्ट होकर बोलता है, क्या? जिंगजोंग बोलती है, मैं तुम्हारे इस्तेमाल करके उस बुरे इंसान को बाहर लाऊंगी। फिर वो उस बुरे इंसान को फोन लगाती और बोलती है, ये मैं हूँ, मैंने शैडो स्क्वाड के ड्रिल मास्टर को पकड़ ली हूँ। फिर वो बुरा आदमी ये सुनकर हंसने लग जाता और बोलता है, सही में मैंने तुम्हें ये काम देकर एकदम सही काम किया। जिंगजोंग बोलती है, लेकिन सनसेट के सारे लोग मर चुके हैं। वो बुरा आदमी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, मुझे सिर्फ वो शैडो स्क्वाड का ड्रिल मास्टर चाहिए। इस जंगल में एक खाली सा पत्थर का घर होगा इसकी तरफ, उसे वहां पर ले आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिंगजोंग फोन रख देती है और फिर लिन को बोलती है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, चलो मेरे साथ। लिन बोलता है, तुम्हें तो पता है कि वो कहाँ पर है, फिर हम वहाँ पर जाकर उसे मार क्यों नहीं देते हैं, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। जिंगजोंग बोलती है, वो बुरा इंसान बहुत ही बुद्धिमान है, हम लोग उसके करीब भी नहीं जा पाएंगे अगर ये नहीं किए तो। फिर जिंगजोंग लिन को खाली पत्थर के घर में ले जाती है और बोलती है, मैं शैडो स्क्वाड के ड्रिल मास्टर को ले आई हूँ, तुम कहाँ पर हो, उस घर में बहुत सारे कीड़े होते हैं। लिन उसे देखकर घबरा जाता है। फिर लिन जिंगजोंग को एक लात मारता है और बोलता है, बाहर जाओ यहाँ से, और वो सारे कीड़े लिन पर हमला कर देते हैं। फिर वो बुरा आदमी हंसते हुए घर के पीछे से निकलता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आराम से बेवकूफ बना सकती हो, जब से तुम इस आइलैंड में आई हो मेरी नजर तुम पर ही है, तुम्हारा मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। तुम्हें अभी भी लगता है तुम मेरे सामने खड़ा भी हो पाओगी, हट डेवियर, इसे एक सबक सिखाओ। जिंगजोंग घबराती हुई बोलती है, रुक जाओ। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, नहीं ये मुझे मार रहा है। फिर वो आदमी उसके सामने जाकर बोलता है, कैसा लग रहा है, क्या तुम फिर से हिम्मत करोगी मेरी आज्ञा को नहीं मानने का, तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वो आदमी जिंगजोंग के सामने आ जाता है, जिंगजोंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बुरा आदमी उससे बच जाता है। जिंगजोंग बोलती है, धरती रिकी ये लगा नहीं। वो बुरा आदमी शॉक्ट होकर बोलता है, यार ब्लेड ये तो कांगडोंग सेक्टर का है। हर डेवियर तुम्हारे दिल को दबाने में कामयाब नहीं हुआ, तुम कैसे अपने अंदर की शक्ति को इस्तेमाल कर पा रही हो। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, उस पत्थर वाले दीवार पर रोशनी चमकने लग जाती है और वो घर कुछ ही देर में वहां पर तबाह हो जाता है, उसमें से सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं। वो बुरा कीड़े को देखकर बोलता है, मेरा अंडे तो इंसेक्ट, ये कैसे हो सकता है। लेकिन सारे कीड़े को मारकर बाहर आ जाता है। वो बुरा आदमी शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम वहां से जिंदा कैसे आ सकते हो, मेरे कीड़े तो कभी नहीं मर सकते, वो तुम्हारे ऊपर कैसे नहीं काम किया। लिन बोलता है, नहीं मर सकते है, ये मजाक चल रहा है क्या। फिर वो एक कीड़े को मार देता है और बोलता है, ये देखो यहाँ तक कि ये मेरे चमड़ा को काट भी नहीं पा रहा है। वो बुरा आदमी बोलता है, ये कैसे हो सकता है। लिन बोलता है, क्या तुम इससे कंट्रोल करना चाहते थे मुझे, बहुत अच्छा कोशिश किया तुमने, बेशक अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। जिंगजोंग बोलती है, नहीं रुको लिनफेंग, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। फिर वो उस आदमी पर हमला कर देती है। फिर वो आदमी सारे हमले से बचते हुए बोलता है, मुझे मारोगी, तुम बहुत ही धीमी हो मुझे मारने के लिए। फिर वो जिंगजोंग के ऊपर कुछ कीड़े फेंकते हुए बोलता है, मुझे फिर से तुम्हारे बॉडी के अंदर वही अंडेड इंसेक्ट डालना होगा। जिंगजोंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे ऊपर एक ही ट्रिक हमेशा काम करेगा। फिर वो सारे कीड़े को मार डालती है। वो बुरा आदमी वहां से जाते हुए बोलता है, आज के लिए बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। फिर